बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मूँगफली की चिक्की। इसके लिए मैंने किन किन चीज़ों की ज़रूरत है देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे घी लिया था, और गुड़ जो है मैंने यहाँ पे 250 ग्राम लिया है, इसको मैंने टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लिया है। 200 ग्राम मैंने यहाँ पे मूँगफली ली है, जिसको मैंने कढ़ाई में डाल के रोस्ट कर लिया था, और फिर उसके बाद इस तरह से करके मैंने इसका छिलका उतार दिया था। आप चाहें तो मतलब रोस्ट की भी ले सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम 1 टेबल स्पून जो हमने घी लिया था ये ऐड कर देंगे। हम घी अच्छे से गर्म हो चुका है हमारा, इसके बाद मैं इसमें गुड़ जो है वो ऐड कर दूंगी। मेरे पास जो गुड़ है वो बहुत सॉफ्ट है, मेरा गुड़ बहुत जल्दी इसमें मेल्ट हो जाएगा। इसको हम गुड़ को बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे। आप लोग का अगर गुड़ जो है सख्त हो तो उसको बिल्कुल आप लोग चूरा टाइप का कर लीजिएगा, ताकि वो आराम से पिघल जाए। अब हम इसको चमचे की मदद से इस तरह से घुमाते रहेंगे, इस तरह से करेंगे ताकि अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो जाए हमारा गुड़ जो हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया। देखें, इसके बाद इस पॉइंट पे मैं इसमें एक चुटकी बिल्कुल सोडा मैंने इसमें ऐड कर दिया है, बिल्कुल ज़रा सा एक चुटकी के बराबर सोडा ऐड करा है मैंने इसमें। मीठा सोडा है जो खाने वाला सोडा होता है वो ऐड करा है मैंने इसमें, बिल्कुल एक चुटकी वो ऐड करके इसको फिर मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इतना हमें जो है गुड़ को वो करना है, पकाना है, कि इसको हम चेक कर लेंगे पानी में, जैसे कि ये टूटने लग जाए। अब मैं इसको चेक कर लूँगी ये तैयार हो चुका है या नहीं गुड़ जो हमारा अच्छे से। देखिए अभी ये तैयार नहीं हुई है, अभी ये नरम है बिल्कुल, जैसे हम हमारी जो चिक्की होती है वो सख्त होती है, इस तरह से टूटने लगे वो। देखिए अभी ये टूटने लग गया है, ये गुड़ जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, और जो मूँगफली है वो इसमें सारी डाल दूँगी। मूँगफली जो है सारी डालने के बाद में इसमें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये फ़ौरन से सेट होने लग जाता है, आप इसको जल्दी से मिक्स करिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ऐसी केक की ट्रे ले ली थी, आप चाहें तो ट्रे भी ले सकते हैं नॉर्मल, पर लेगा स्टील की ट्रे लेगा, जिस पे अच्छे से मैं इसको फैला लूँगी और सेट कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप इसको, ये बहुत गर्म होता है, बहुत एहतियात से आप इसको सेट करिएगा। मैंने इसको थोड़ी मोटी मोटी ही रखी है चिक्की को, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको पतला रखना चाहें तो मतलब ज़्यादा बिल्कुल पतला रख लें, मोटा रखना चाहें तो मोटा रख लें। अब इसको अच्छे से सेट करके मैं इसमें पहले मैं स्पैचुला की मदद से इसको दबा दूँगी चारों तरफ से, ये कि बराबर हो जाए। अब इसके बाद मैं इसको बेलन से पूरा सेट कर लूँगी ताकि बराबर रहे। बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने इसमें बेलन चलाया है, बहुत हल्के हाथ से चलाया था। देखिए अब इसको हम सेट होने से पहले हम इसमें अब कट लगा लेंगे एक छुरी की मदद से, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद है इस तरह से आप लगा लें कट इसमें। इस तरह से मैं इसको कट लगा के हम इसको फिर ऐसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि सर्दियों के मौसम है जल्दी सेट हो जाती है। ऐसे आप इसको काउंटर पे छोड़ दीजिएगा, ये अच्छे से सेट हो जाएगी। देखिए सेट हो गई है अच्छे से। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ, बस ज़रा सी आप छुरी से हम इसको नीचे से इस तरह से करेंगे कि फ़ौरन से ही निकल आए। देख लें ये कितनी अच्छी बनी है माशाल्लाह से, और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनी थी, और खाने में भी अच्छी थी कि ये दांतों में चिपक नहीं रही थी बिल्कुल भी, और जो दांतों में चिपकती है तो वो फिर खाई नहीं जाती है ये।
आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। कैसी लगी आज की रेसिपी आपको मेरी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे जितने भी सब सब्सक्राइबर हैं, आप सबसे मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मेरे फादर की जो है तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटलाइज थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वो घर पर आ गए हैं। आप सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। प्लीज़ आप सब उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।